हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक जैन आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश मंच में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी, किस तरीके से हमारा सिलेबस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपका सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचना हमारा काम है। यहां तक इंग्लिश की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, वो यदि अवेलेबल हो सके तो बुक्स ले आए, और यदि नहीं भी हो तो वो आरबीएसई की साइट पर जाकर बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और करना है सभी को कि आप ये ना समझें कि मैं आपको ऑनलाइन जो भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाऊंगा तो आप उसको इस तरीके से ना समझें कि हमें कॉपी में लिखना है या नहीं लिखना है। सभी को अपनी एक नोटबुक बना लेनी है और जैसा जैसा मैं बताता चलूं उसी हिसाब से आपको उसमें जो भी आपका मैटर है उसको नोट करते चलना है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करें, सभी स्टूडेंट्स के मन में एक बात रहती है कि सर सिलेबस क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप को जो भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो भी आपका सिलेबस है, दो बुक्स हैं, जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपका टोटल जो पेपर है आपका वो होगा 80 मार्क्स का, 80 नंबर का होगा। उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला आपका सेक्शन है वो बुक से संबंधित है, दूसरा रीडिंग और राइटिंग का है। तो सबसे पहले आप इस चीज पर देखें, इस चीज पर ध्यान दें कि आपका सिलेबस किस तरीके से बोर्ड ने फाइनल किया है। तो यहां बोर्ड पर मैंने सिलेबस लिखा हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप देखें जरा सिलेबस है आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक एक चीज कि आपकी दो बुक्स हैं। पहली जो बुक है आपकी वो है रेनबो, यहां आप देख रहे हैं रेनबो। रेनबो में आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके एग्जाम में 5 आएंगे, 2 नंबर का एक होता है लेकिन आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो वो आपकी जो आपका जो पहला सेक्शन है रेनबो का वो है शॉर्ट आंसर वाला, जो 8 नंबर का है आपका। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें अपन तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना है आपको 7 नंबर का है। दोनों की वर्ड लिमिट्स मैंने यहां पर लिख दी है आपके लिए, आप देख रहे हैं शॉर्ट आंसर की वर्ड लिमिट 30-40 वर्ड्स है और जो लॉन्ग आंसर है उनकी 100-120 वर्ड्स है। इसके अलावा यही चीज पैनोरमा है, जो आपकी सेकंड बुक है पैनोरमा, उसमें भी यही चीज है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस उसमें भी 2-2 नंबर के 4 आएंगे और लॉन्ग आंसर एक आएगा, वो भी आपका 7 मार्क्स का होगा। रेनबो में पोइट्री सेक्शन है, तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहां पर रेनबो में पोएट्री सेक्शन है। इस पोएट्री सेक्शन में आपको एक स्टेंजा तैयार करना है, वो स्टेंजा आपका 4 नंबर का रहेगा। उसमें एक स्टेंजा आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आपको 10-20 शब्दों में जवाब देना है और वो 4 नंबर का होगा। पोएट्री सेक्शन में ही आपके 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर के वो रहेंगे। अब आप देख रहे हैं यहां पर नीचे मैंने लिख रखा 40 मार्क्स, तो आपका ये जो टेक्स्ट बुक्स का जो सेक्शन है वो 40 मार्क्स का है। आप टोटल करेंगे यहां तक तो ये 40 बैठेंगे आपके। दूसरी तरफ हम देखें तो इसका जो आपका सेकंड जो पार्ट है वो है रीडिंग और राइटिंग का सेक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं यहां पर मैंने सब आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, बस मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से प्लान किया गया है बोर्ड के द्वारा। जो अनसीन पैसेज होगा वो आपका आएगा 6+3 9 मार्क्स, यानी कि 6 नंबर के तो आपके क्वेश्चंस होंगे,
तीन नंबर के आपके वर्ड मीनिंग्स होंगे जिनका आपको सिमिलर वर्ड पैराग्राफ में देखकर आपको बता देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा नोट मेकिंग का, जो आपकी 4+2 ये 6 मार्क्स। इसमें आपको जो पैराग्राफ मिलेगा वो उसमें नोट मेकिंग करनी है, जो 4 नंबर का होगा, और उसका जो एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं जिसको समरी कहते हैं वो आपकी रहेगी 2 नंबर की। तो ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन आपका आएगा वो उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं, नोटिस है, इनविटेशन है, एडवर्टीजमेंट है, आर्ग्यूमेंट है और पोस्टर है। ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर ही 5 टॉपिक्स है। इनमें से कोई से 2 टॉपिक्स आपके आएंगे एग्जाम में और एक आपको करके आना है, वो 4 नंबर का है। इस तरीके से ये टॉपिक जो होगा, ये क्वेश्चन इस पे जो आएगा वो होगा 4 नंबर का। इसके बाद चौथे नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एक बार समझ लें जरा। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन आपको तैयार कर लेना है। अब ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर का है। इसके बाद लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग आपको तैयार करने हैं, फॉर्मल लेटर्स हैं आपके वो आपको तैयार करने हैं, 2 लेटर्स आएंगे, एक करके आना है, 7 नंबर का है। इसके अलावा जो लास्ट का क्वेश्चन होगा आपका वो होगा आर्टिकल और स्पीच का, वो उसमें भी एक आर्टिकल का आएगा, एक स्पीच का आएगा, एक आपको करके आना है, वो जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 7 नंबर का। आप यहां पर देख रहे हैं जब आप टोटल करोगे तो वो बैठेंगे आपके 40 मार्क्स। इस तरीके से बोर्ड ने आपका सिलेबस 80 मार्क्स का पूरा तैयार किया है। अभी मैंने आपको आपका सिलेबस बता दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। कितने मार्क्स का ये आपको सिलेबस में पता चल गया। अब मैं जब तक आपकी बुक्स नहीं आ जाती तब तक मैं आपको जो आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन है वो मैं स्टार्ट करा रहा हूं आज से। सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा नोटिस। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं सभी कि नोटिस को आपको किस तरीके से लिखना है, नोटिस के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है वो यहां पर आप देखें। ये फॉर्मेट है नोटिस का, ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये फॉर्मेट है। जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे तो उस आंसर में आपको किन किन चीजों को मेंशन करना है वो आप सामने देखें। सबसे पहले आपको मिडिल में जो भी आपका बॉक्स है सबसे पहले इस तरीके से बॉक्स बनाना है, नीचे उसको बंद नहीं करना, उसके मिडिल में बिल्कुल दोनों तरफ से जो भी नाम उसमें दिया गया हो क्वेश्चन में, चाहे वो स्कूल का नाम हो, चाहे वो कॉलेज का नाम हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसका नाम आपको सबसे पहले इस बॉक्स के बिल्कुल मिडिल में लिख देना है। जितना अच्छी तरीके से, जितना साफ तरीके से आप लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। जब आप इसको लिख दें इसके बाद आप आ जाइए राइट साइड में, यहां पर आपको डेट लिखनी है, जो भी डेट दी गई हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में खुद आपको अपनी तरफ से डिटेल्स लिखनी पड़ती हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में ये डेट ये सब आपको पूरा जो इसका फॉर्मेट से बेस्ड जो भी कंटेंट है वो आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आप यहां पर आ जाइए मिडिल में, फिर आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। डेट के तुरंत बाद आप इधर आइए मिडिल में, कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने का क्या वो है आपका उद्देश्य, क्या मतलब किस पर आप नोटिस लिख रहे हैं, उसका जो हेडिंग होगा वो उसके बिल्कुल नीचे आएगा। नोटिस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन होती है। इसमें मैं आपको बता दूं इसकी वर्ड लिमिट जो आपको मेंटेन करनी है वो करीब 50 शब्द आपको इसके अंदर लिख देने, 50 शब्दों में इसको लिखना है। नोटिस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हैं और कोई टूर्नामेंट होने वाला है, यदि आपको कहा जाए कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को सूचना दीजिए कि ये टूर्नामेंट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे,
आप एक जानकारी देंगे कि कब होगा, कहाँ होगा, कितनी तारीख को होगा, टाइम क्या रहेगा, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो आपको इसके अंदर देनी होती है। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी केवल आपको फॉर्मेट समझना है, क्वेश्चन से आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि वास्तव में आपको किस तरीके से नोटिस तैयार करना है। इसके नीचे हेडिंग, अब जो नोटिस आपको लिखना है उसका, उसके जो भी कंटेंट्स हैं वो आपको इसके अंदर लिखने, बॉक्स नहीं बनाना है, ये फॉर्मेट है, पहले बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मेट है, बॉक्स नहीं बनाना है आपको। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बॉक्स बनाना है क्या, कई तरीके की आपके मन में बातें आई अभी, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बॉक्स आपको नहीं बनाना है, केवल आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे संबंधित कंटेंट्स लिखने हैं। इसके अंदर बेसिकली कई चीजें आती हैं कि टाइम आ जाता है, डेट आ जाती है, वेन्यू कहां पर होगा, स्थान वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। ये सब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्वेश्चन में अभी मैं बताऊंगा तो पता पड़ जाएंगी। पहले तो आपको केवल फॉर्मेट समझना है कि कोई भी क्वेश्चन यदि आता है नोटिस का तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है। इसके बाद जब आपका ये पार्ट पूरा हो जाए, कंटेंट्स पूरे हो जाए, इसके बाद आपको यहां पर जो भी नोटिस लिख रहा है उस लिखने वाले का नाम यहां पर लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहां पर डेजिग्नेशन, ये मैं बोल रहा हूं डेजिग्नेशन, पद, लिखने वाला किस पद पर, किस पोस्ट पर है। मान लो यदि आप लिख रहे हैं आप क्लास मॉनिटर हैं, तो आपका नाम आ जाएगा यहां पर, यहां नीचे लिख दिया जाएगा क्लास मॉनिटर, क्लास 12th मॉनिटर आगे लिख दिया जाएगा जो आपका, जो आपको बताया गया है। यदि कोई स्कूल में प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम की तरफ से वो लिखवाया जा रहा, तो उनका नाम यहां पर आ जाएगा और यहां पर लिख दिया जाएगा प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम। तो ये आपका पूरा नोटिस का फॉर्मेट है, इसको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इसको बना लें एक बार। जो भी क्वेश्चन मैं अभी स्टार्ट कराऊंगा आपको, इसके बाद उससे पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतार लेना, और जो भी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित कराऊं या मैं आपको करने के लिए दूं उसको आप टाइम टू टाइम करते चलें, और जहां भी दिक्कत आए उसको आप मुझसे डिस्कस कर लें, पूछ लें। यहां पर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं समझे जरा। राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है आपको टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को जानकारी देने के लिए अबाउट, किसके बारे में जानकारी देनी है, द एनुअल फंक्शन, जो एनुअल फंक्शन है या एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो भी टॉपिक हो आपका। यहां पर मैंने एनुअल फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यदि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो तो आप जो भी यहां पर दे रखा हो या खुद आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड लिखना हो वो आपको यहां पर मिलेगा। तो एनुअल फंक्शन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको ये 50 से ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने है, फॉर्मेट मैंने पहले बता दिया, आप नोट कर ले कॉपी में। स्कूल का नाम सबसे मिडिल में आ जाएगा, उसके बाद यहां डेट आ जाएगी, डेट में आप ध्यान रखें, जैसे आज मैं इसको आपको बता रहा हूं, आज 3 मई है, तो जैसे आज यदि आप लिख रहे हैं तो आपको यहां पर डेट आज की डालनी है। नीचे आप ध्यान रखेंगे कि आज आप यदि लिख रहे हैं तो जानकारी आपको आगे की देनी है, तो आपको डेट भी आगे की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम मिडिल में मैंने बताया नोटिस लिखना है, नोटिस को आप कैपिटल में लिखें। यहां पर यदि आपको कभी आपके मन में आ रही होगी सर हम वैसे भी लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हो आप, इसका पहला जो वर्ड होगा वो आपको कैपिटल में लिखना है सभी का, बाकी आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, ये आपको कैपिटल में लिखना है। अब यहां पर देखें आप, पहला कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है और ये कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है। यहां पर आप देख रहे हैं ये आपकी लाइन्स लगभग फिक्स होती है, इनको आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। देखें आप जरा, आप जानकारी दे रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म, ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाई इन्फॉर्म, यहां पर सूचित किया जाता है दैट कि द स्कूल्स एनुअल फंक्शन, स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है, मैंने इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी जोड़ दिया इनकेस यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए
तो आप इस तरीके से इसको लिख सकें, ठीक है। स्कूल एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड, स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है उसको उसका आयोजन किया जाएगा। अब आप यहां पर गौर से देखें 10 AM, यहां पर एट लगाया हुआ है, टाइम से पहले प्रपोजिशन क्या लगाना है, एट लगाना है। यहां पर लिखा हुआ May 10, 2020, यहां पर मैंने लिखा है 3, यहां पर कब होना है वो 10 तारीख को, ये आपको विशेष ध्यान रखनी ये चीज है। जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो आती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपके मन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहां मैंने लिखा May 10, 2020, कहां पर, इन द स्कूल कैंपस, ये जगह का नाम है जिसको मैंने वेन्यू नाम दिया था, वेन्यू, वेन्यू में आ जाता है प्लेस, स्थान, कौन सा है, स्कूल कैंपस। यहां पर सेकंड जो इसका पार्ट शुरू होता है उसमें आपको ये बताना होता है कि आप करना क्या है, जिनको जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो आपको क्या जानकारी उनको लास्ट में देनी है। तो आप लिख रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सभी विद्यार्थियों से ये प्रार्थना की जाती है टू मीट द अंडरसाइन, अंडरसाइन का मतलब होता है नीचे दिए गए जो भी ऑथोरिटी होती है, जो भी लिख रहा है वहां पर जाकर मिले, ऑन एनी वर्किंग डे, किसी भी कार्य दिवस में जाकर आप मिल सकते हैं, टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए क्या, इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए, रिगार्डिंग नेसेसरी डिटेल्स, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, जो भी जानकारियां हैं उससे संबंधित आपको यदि कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए हुए जो भी ऑथोरिटी है वहां जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन यदि दिया गया हो तो आपको इस फॉर्मेट में उसको लिखना है, इसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जरा सा भी आपने कोई चेंज किए, कोई भी आपने इसमें वो किया फॉर्मेट यदि इधर से उधर किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए आप इसको मेंटेन करें पूरी तरीके से। और हां एक बात मैं और बता दूं कि ये आपके टॉपिक्स लगातार चलेंगे, अभी आज मैंने नोटिस का एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये मेरे नोटिस हो चाहे इन्विटेशन हो ये टॉपिक्स मेरे लगातार चलते रहेंगे। और जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूं वो ये है कि इसके साथ साथ मेरा ग्रामर का सेक्शन भी चल रहा है, आपके जो छोटे भाई बहन हो जो 8th में हो, 9th में हो, 10th में, 11th में हो, उनके लिए मैंने ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट कर रखा है इसी चैनल पर, तो आप उनको बता दें। और सबसे बड़ी बात, आप इस वीडियो के बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मेरे टॉपिक्स चल रहे हैं इस समय, आप उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए शेयर करें ताकि वो घर बैठकर अपने इन टॉपिक्स को आसानी से लिख सकें, क्योंकि इस समय सभी को पता है कि एक घर से निकलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो मैं चाहूंगा कि आप घर बैठकर आराम से बिल्कुल रिलैक्स रहकर मेरे जो भी टॉपिक्स चले उनको आप तैयार कर लें, और जो भी आगे की जानकारी होगी वो अगले उसमें आपको मिलती रहेगी। आज ये वाला टॉपिक जो मेरा है ये यहां तक मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है, आगे के लिए मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा, या फिर मैं मेरा जैसा भी होगा, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो जो भी क्वेश्चन मैं दूं, यदि आपको दिक्कत आए तो आप फोन कर लें मेरे लिए, वो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बोर्ड पर पूरा करके बता दूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।